जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। जय गोपाल। आइए मेरे प्रिय बहन भाइयों श्रोतागण सत्संग प्रेमी जनों हार्दिक स्वागत है आपका श्रीमद् भागवत गीता की सत्संग में। आइए मेरे साथ प्रणाम कीजिए भगवान को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्टिकी। ओम शांति शांति शांति। जय गोपाल जय हो। श्री भगवान बड़े दयालु हैं बड़े कृपालु हैं। भगवान की असीम कृपा से ही भगवान का शुद्ध भक्त मिलता है किसी के जीवन में आता है सद्गुरु बनकर के। ऐसे शुद्ध भक्त की शरण में जाना उन्हें उनकी शिष्यता स्वीकार कर लेना अपने कल्याण का पथ पा लेना है। तो आइए भगवान श्री कृष्ण के मुख से ही कि भगवान सभी के गुरु हैं गुरुओं के भी गुरु हैं। यू आर द मास्टर ऑफ ऑल मास्टर्स। यू आर द मास्टर ऑफ म्यूजिक मास्टर्स। यू आर द मास्टर ऑफ मैजिक मास्टर्स। यू आर द मास्टर ऑफ डांस मास्टर्स। यू आर द मास्टर ऑफ ऑल मास्टर्स। कृष्णा आई लव यू। मैनी मैनी सो मैनी मिलियंस योर नेम बट गोविंदा गोपाला एंड कृष्णा हैव फेम। अल्फा यू आर ओमेगा यू आर Bodhi live very close, fool very far. Krishna, I love you. Krishna, I love you. Oh grazier, you grazing the cows every day, breaking the heart, brush gopis every day. Cracking the butter pots, others every day. Feeding Vrindavans, monkeys every day. Krishna, I love you.
It's been some of अपने सच्चिदानंद शरीर के विषय में वर्णन कर भगवान को इग्नोर करना, यहां तक कि भगवान को इग्नोर करना, यहां तक कि भगवान को साकार रूप से स्वीकार नहीं करना,
ये भी भगवान से नफरती करना है। भगवान जैसे गीता में कह रहे हैं अपना स्वयं का स्वरूप बतला रहे हैं, बार बार अपना धाम के विषय में वर्णन कर रहे हैं, अपने सच्चिदानंद शरीर के विषय में वर्णन कर रहे हैं, ब्रह्म ज्योति का भी कारण मैं हूं बार बार बोल रहे हैं, मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, हे धनंजय हे अर्जुन मुझसे परे कोई भी वस्तु नहीं है, यानी मुझसे बड़ा कोई भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मेरे बाद में कुछ नहीं है, मैं अंत हूं सबका, सबका आदि भी हूं, मुझसे पहले कोई नहीं था और मेरे अंत में भी कोई नहीं होगा, यानी अंत में मैं ही होऊंगा और कोई नहीं होगा, मेरे सिवा अंत में कोई नहीं होगा, मेरे सिवा महाप्रलय जब हो जाएगी तब कोई नहीं होगा, मैं ही होऊंगा अकेला। इसको ही अल्फा और ओमेगा कहा है, बिगिनिंग लेस एंड एंडलेस भगवान को कहा है श्री कृष्ण को। इच्छा यानी संसार को भोगने की इच्छा, संसार का मालिक बनने की इच्छा, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, ये जन्म मरण का कारण बनती है। और इसमें प्लस पॉइंट और है भगवान को भूल जाना, भगवान को नकार देना कि भगवान है ही नहीं, या भगवान के स्वरूप को नकार देना कि भगवान निराकार स्वरूप है, यह भी जन्म मरण का कारण बनती है। इच्छा द्वेष समुत्थिन, जब ऐसी इच्छा और द्वेष हृदय में पैदा हो जाते हैं, ड्वालिटी द्वंद, ये द्वंद है इच्छा द्वेष घृणा, दूसरों से घृणा पैदा हो जाती है, नफरत करते हैं और अपने अपनी इच्छा होती है कि हम राजा बने, ये क्यों बने, सब चीजें इसमें समाहित है, हर तरह से इस संसार को भोगने की इच्छा और उस परमात्मा से नफरत, झूठ को गले लगाना और सच्चाई को ठुकराना, तो ये जन्म मरण का कारण बनता है। ये जब हृदय में पैदा होते हैं, द्वंद मोहेन भारत, मोह मानी अंधकार अज्ञान, फिर ये द्वंद्वों में पढ़ करके, ड्वालिटीज में पढ़ करके कभी इच्छा करता है, कभी नफरत करता है, कभी सुख की तलाश में है, कभी तो दुख मिलते हैं तो ये सुख दुखों में गिर जाता है, थोड़ा सा सुख है दुख बहुत है, ये तद्दग्री विश्वमिव परिणामी अमृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। शुरू शुरू में जो सुख जहर जैसा लगे, यतद्दग्रे विष्मिव, जो वस्तु शुरू शुरू में जहर जैसी लगे, कोई भी भोग विषय, तो उसका परिणाम फिर अमृत जैसा निकलता है। लेकिन जो वस्तु पहले अमृत जैसी लगे उसका परिणाम विष जैसा निकलता है। इसलिए संसार के लटकते हुए फलों को खाने के लिए ये अच्छे तो लगते हैं, मीठे लगते हैं, ये सपने बड़े मीठे होते हैं, कोई ऐसे सपनों में झंझोड़ दे आपको तो बड़ा गुस्सा आता है, जब मीठे मीठे फलों के सपने देखते हैं तो आपको कोई जगाए नहीं,
किसी प्रकार से डिस्टर्बेंस नहीं हो, कोई टोके भी नहीं कि उठ जाओ जग जाओ, कोई जगा भी दे, कोई आवाज भी आ जाए तो आपको गुस्सा आता है, क्या आवाज करते हो, देखते नहीं मैं सो रहा हूं। ऐसे मीठे मीठे सपने चलते हैं, ये जीवन में मीठे मीठे सपने देखता है आदमी, ये इच्छा है। जो लोमड़ी की इच्छा, लोमड़ी सूर्य उदय होने के समय भूखी थी, सूर्य की तरफ तो पीठ थी और वो जाने लगी जंगल में वन की तरफ, तो उसने देखी अपनी परछाई को, तो सूर्य उदय होता है तो परछाई स्वतः ही बहुत लंबी होती है हर एक की। आप भी जब कभी सूर्य को पीठ दे के चलोगे सुबह के सूर्य को, तो आपकी परछाई बहुत लंबी आगे तक जाएगी, ऐसा लगेगा कि आधा मील तक परछाई आपकी प्रवास सुबह के टाइम। लोमड़ी को भी वो परछाई दिखाई दी अपनी बहुत बड़ी, तो उसने सोचा मैं इतनी बड़ी, फिर तो मुझे कोई बड़ा शिकार चाहिए। तो वन में चलती रही, रास्ते में खरगोश आया, तो लोमड़ी ने कहा कि एक तरफ हट, सामने आता है क्या करूं तेरा, तेरे से तो मेरा नाश्ता भी नहीं होगा। आखिर आगे चली गई, चलती गई तो हिरण आया, हिरण को भी नकार दिया कि इससे भी क्या होगा, नाश्ता ही होगा और क्या होगा, मुझे तो भूख लग रही है अधिक, मुझे कोई बड़ा जानवर चाहिए। तो रास्ते में एक हाथी भी आया, हाथी को भी नकार दिया कि तू हट जा सामने से, मैं इतनी लंबी इतनी बड़ी तुझसे भी क्या होगा, पूरी तरह दाब नहीं सकूंगी। आखिर जो जो आगे बढ़ती चली गई, सूर्य तो अपनी गति से रहते हैं, सूर्य भी गतिवान रहे, सूर्य जैसे जैसे ऊपर आते गए, तो आखिर सूर्य जब दोपहर को 12 बजे बिल्कुल लोमड़ी के सर के ऊपर आ गए, तो लोमड़ी की परछाई तो गायब हो गई, बिल्कुल छोटी सी हो गई, उतनी हो गई रह गई जितनी लोमड़ी थी, बल्कि उससे भी छोटी नजर आने लगी। तो लोमड़ी आखिर सोचती है कि अरे मैं तो बहुत छोटी हूं, अरे मुझे तो कोई खरगोश क्या एक चूहा भी मिल जाए तो मैं मेरा पेट भर जाएगा, ये मैंने क्या किया, खरगोश मिला हिरण मिला सबको छोड़ दिया। यही दशा सबकी है संसार में, जो भोगों के लिए आए हैं, जिनकी इच्छा भोगों की है, वो बड़ी बड़ी इच्छाएं करते हैं, बड़े बड़े हाथ फैलाते हैं संसार को भोगने के लिए, पर हर एक एंगल से सभी प्रकार से, पद से प्रतिष्ठा से धन से मकान से नारियों से नरों से पुत्रों से पोत्रों से, सब प्रकार के सुख भोग करने की प्रबल इच्छाएं लेके आदमी चलता है जवान अवस्था में। हर व्यक्ति सिकंदर बनना चाहता है, लेकिन बुढ़ापे में भी तो ये इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, लेकिन थोड़े विचारों में फर्क तो आता है। बुढ़ापे में जाके बुढ़ा कहता है कि बेटी बस दो फुल्की और दाल दे दे बस, और कुछ नहीं चाहिए। ये लोमड़ी वाली हालत है, जवानी में यही बुढ़ा बड़े बड़े तीर कमान कस रहा था सिकंदर बनने के, अभी थक गया, शरीर का साथ नहीं देता, मृत्यु नजदीक खड़ी है, अभी तो लड़खड़ाई जवान से बोलता है कि बेटी बस एक दो फुल्की और दाल बहुत हो गया। ये इच्छाएं संसार को भोगने की लेकर के प्रत्येक प्राणी यहां अटका हुआ है, ययाति की तरह। ययाति अटक गया था, 100 वर्ष की उम्र हो गई तब मृत्यु आई,
राजा ययाति चक्रवर्ती सम्राट गिड़गड़ाया कि मृत्यु देवी मुझे लेने क्यों आई हो, अभी तो मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। बोलो राजन कुछ भी हो, आपकी आयु के 100 वर्ष पूरे हुए, आपको चलना ही पड़ेगा मेरे साथ। लेकिन क्यों, कोई इसका उपाय नहीं कि मैं और जीऊं? बोले एक उपाय है, कोई यदि तुम्हें तुम्हारे बुढ़ापे को ले ले और तुम्हें कोई अपनी उम्र को दे दे, कोई कोई भी अपनी उम्र को तुम्हें दे दे तो उतने दिन और जी सकते हो। तो यह याति ने कहा फिर ठहरो, ठहरो क्योंकि मैं ये कर सकता हूं, मैं राजा हूं, मेरे पुत्र हैं, 100 पुत्र हैं, कोई तो पुत्र बोलेगा कि मैं तेरे आपके पिताजी आपके बुढ़ापे को मैं लेता हूं। आखिर ययाति ने, राजा ययाति ने अपने सभी पुत्रों से पूछा, सबने मना कर दिया यही जवाब दे दे करके कि पिताजी 100 वर्ष में भी आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, फिर हम तो अभी जवान हैं, किसी ने शादी नहीं की है, किसी की शादी हुई है सुहागरात भी नहीं मनी, कोई शादी करने जा ही रहा है, हमारी इच्छा तो अभी सारी बाकी है, हमको भी राजा बनना है, हमको भी रानियां रखनी है, हम क्यों अपनी जवानी को हमारी उम्र को दे दें और क्यों आपके बुढ़ापे को, ये मृत्यु जो खड़ी है जिसको लेने के लिए, क्यों मृत्यु के साथ चले जाए? सबने मना किया, 99 पुत्रों ने मना किया, एक पुत्र बाकी रहे थे, उनका नाम पुरुरवा था। पुरु को भी बुलाया पास में कि पुरुरवा बेटे, सबसे छोटा बेटा था, 5-6 वर्ष का रहा होगा, कि बेटे ये मृत्यु मुझे ले जाने के लिए आई है, यदि तू अपनी जवानी को दे दे, अपने जीवन को, अपनी आयु को मुझे दे दे और ये मृत्यु के साथ तू चला जाए तो मैं आगे और 100 वर्ष जी सकता हूं, क्योंकि बेटे मेरी कोई अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई, तू तो मेरा बेटा है, तू मेरा कहा मानेगा, इस उम्मीद से मैं प्रार्थना करता हूं बेटे। आखिर बेटे ने कहा कि पिताजी आपकी 100 वर्ष में भी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई तो फिर मेरी कौन सी पूरी हो जाएंगी, तो मैं क्यों इन झंझटों में पड़ू, फिर मुझे खुशी होगी पिताजी आपकी उम्र मुझे, आपका बुढ़ापा आपकी मृत्यु मुझे ले जाए और मेरी उम्र आपको मिल जाए, मैं तैयार हूं इसके लिए। और मृत्यु ने ऐसा ही किया, मृत्यु पुरुरवा को साथ ले गई अपनी और ययाति राजा को छोड़ गई आगे के 100 साल जीने के लिए। आगे 100 साल वो खत्म हो गए और 100 साल आगे के 200 वर्ष पूरे हो गए तो मृत्यु को तो अपना काम करना है, वो तो फिर आके खड़ी हो गई। ऐसे ही जो है मृत्यु आ आके लौट गई और पुरुरवा जो है राजा ययाति अपनी आयु के लिए दूसरे उसे अपने सिटीजन से प्रजाजन से ये सब आयु मांगता रहा। एक दिन तो परेशान हो ही गया जब बहुत जिया कि धिक्कार है मेरे जीवन को, ये इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए मैं बार बार ये संसार के झंझटों में उलझा हुआ हूं, ये जाल में, विषाद में, दुख तकलीफों में, मान अपमान में, हानि लाभ में, पद प्रतिष्ठा में, भगवान को भूल करके और भोगों में लिप्त हूं, धिक्कार है मुझे, ये इच्छा कभी किसी की पूर्ण होती नहीं, ये इच्छाओं का ही तो कारण है जिससे बार बार मेरा यहां पर उलझन प्रबल होती जा रही है।
जब इतनी समझदारी पैदा हुई तो सभी राजमहलों को रानियों को प्रणाम करके और वन में चला गया। सप्त धाराएं नदी की, गंगा नदी की बहती हैं, वहां पर चला गया और उसने अपनी तपस्या की, भगवान के भजन किए, मोक्ष के लिए भगवान से प्रार्थना की, भगवान के नाम जप किए। भगवान का प्यारा बन करके वो भगवान के धाम को गया। ऐसी शिक्षाप्रद ये कथा श्रीमद् भागवत में है। इच्छा कभी किसी की पूर्ण नहीं होती। आशा तृष्णा नामरी कह गए दास कबीर। तृष्णा यानी इच्छा, संसार को भोगने की इच्छा। ये मृग मरीची का प्यासा हिरण जैसे भागता है रेगिस्तान में पानी के लिए, और भागता भागता प्राण छूट जाते हैं, मर जाता है, पानी नहीं मिल पाता। ऐसे ही संसार को मृग मरीची का बोला है। भ्रमित तो होती थी हिरण कि वो पानी भरा दूर, ये भागी भागी जाती थी तो पानी नहीं होता था। वो तो रेत के कण सूर्य के प्रकाश में झिलमिलाते थे तो उसको ऐसा लगता था कि पानी हिलोरे ले रहा है। इन दौड़ी दौड़ी जाती थी तो पानी नहीं होता, रेत होती थी। ऐसे ही संसार है, हम सुखों के लिए भाग तो रहे हैं, सुख यहां है नहीं। या जग में सब दुखिया देखा, काउ ना सुखिया देखा हो, राजा दुखिया रंग को दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। इस संसार में सुख नहीं है। सुख होते तो सुखदेव गोस्वामी जी बोलते। सुखदेव गोस्वामी जी ने तो कहा है कि संसार दुखालयम अशाश्वतम। ये टेम्परेरी है संसार, हमारा जीवन भी, और अशाश्वतम है, और ये दुखालयम दुख का घर है। इसमें दुख ही दुख है, इसमें सुख नहीं है। हम सुख ढूंढ रहे हैं, दुखों के वन में हम सुखों के फूल ढूंढ रहे हैं, वो नहीं है। आइसक्रीम में सुख ढूंढ रहे हैं, डल्लभ गद्दा सुख ढूंढ रहे हैं। मिला किसी को डल्लभ के चार चार गद्दे लगा के सोते हैं, सुख मिला या दुख मिला? दुख ही मिला। जमीन पर सोने वाले को थोड़ा थोड़ा सुख का आभास हो सकता है, शरीर स्वस्थ रह सकता है, लेकिन डल्लपों पर सोने वाले कैसे सुखी हो सकते हैं? नींद नहीं आती। कारों में सुख मिला, जैसे कार में बैठे और हाईवे पर दौड़ने लगे, बस हर क्षण ये आता कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए, ध्यान वहीं रहता है कि एक्सीडेंट नहीं हो जाए। ड्राइवर का भी, बैठने वालों का भी, कौन सा सुख मिला? जो पैदल पांव से चलते थे पार्क में, इधर उधर बाजार में घूम के आ जाते थे, वो सुख से अच्छा सुख है किसी कॉस्टली कार में बैठने से? नहीं है। एरोप्लेन में 280 आदमी आग का गोला बन गए थे, लागवाड़िया एयरपोर्ट से एरोप्लेन उड़ा था 2001 में या 2002 में, समथिंग लाइक दिस। तो कितने ही एरोप्लेनों के आग के गोले बन गए, कितने ही लोग मर गए। नहीं, सुख नहीं है। एरोप्लेन में कैसे सुख मिलेगा जहां ऑक्सीजन भी आपको कहीं से कलेक्ट करके दी जाती है?